नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित मुझे विकास बुलेटिन आरंभ करवा प्रथम नजर पकड़ ना कौन रही हेडलाइंस। जल जीवन आप्र उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिले गत 70 वर्ष उपरे भारी पड़ा दुई वर्षर काम पानी सप्लायर रियल टाइम मॉनिटरिंग और गुणवत्ता जांच उपरे थर जोर। यूजीसी पाठ्यक्रम स्थान पाइब संत कवि जीवनशैली भीमभोई जन्ममाटी केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान घोषणा ओडिया जातिर और भारतीय संस्कृतिर महानायकों जानिब एथर विश्व। कोरोना विरुद्ध लड़ई में आउ एक बड़ उपलब्धि देश में 90 कोटी पार कला वैक्सीनेशन 25 कोटी डबल डोज टीकाकरण ट्वीट कर सूचना दे केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मंडाव्य। देखिया विश्वर सबुठारु बड़ खदी तिरंगा लेहरू ध्वजा को लोकार्पण कले लदाख उपराज्यपाल आरके माथुर 225 फुट लंबा 150 मीटर ओसारिया तिरंगार ओजन 1000 केजी व्यवहार हो 4500 मीटर खदी कपड़ा। जातिर पिता महात्मा गांधी और पूर्वतन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मवार्षिकी राष्ट्रपति समेत बहु वरिष्ठ नेता श्रद्धांजलि ज्ञापन राजघाट और विजयघाट जाए श्रद्धांजलि ज्ञापन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि ज्ञापन कले धर्मेन्द्र प्रधान किशोर नगर में बामूर गांधी स्मृतिपीठ से गांधीजी प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण जयराट रे पदयात्रा रे हेले सामिल बुणाकार को भेटी आलोचना करने हस्तशिल्प किणिले धर्मेन्द्र प्रधान। आसवा संपूर्ण खबर को जल जीवन मिशन मोबाइल आप्र उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही आप जरिया रे केतुटी घरे पानी पहुंचिला पानी रो गुणात्मक मान केमिति ता सहित पानी रो जोगान बाबद रे सविशेष तथ्य मिलबो। यही जल जीवन मिशन जरिया रे सशक्त होउछंती महिला पीबा पानी आवश्यक पानी आनिबा को आ महिला को समय देबा को पडुनी हाथ पांतारे लोके एबे पानी पाउछंती। गा गा को जलो आसिला जल जीवन आप जल जीवन कोष और जल मिशन आप लॉन्च कले प्रधानमंत्री यहाँ पानी गुणवत्ता जांच ई पुस्तिकार उन्मोचन कर जल जीवन प्रसंगे ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल और परिमल कमिटी सह कथा होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी। जी माननीय प्रधानमंत्री जी मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है जिसमें 366 परिवार है तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है। ऐसा राष्ट्रीय जल जीवन कोषर मध्य उद्घाटन कर प्रधानमंत्री मोदी जो थे ग्रामीण घर विद्यालय अंगनवाड़ी केन्द्र एवं साधारण अनुष्ठान ने टैप जल संजोग नहीं सहयोग करें कौन व्यक्तिगत अनुष्ठान और निगम प्रत्येक परिवार को विशुद्ध जल जगह 2019 अगस्त 15 रे जल जीवन मिशन घोषणा करते प्रधानमंत्री। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। आप रे कौन रही सुविधा आप जरिया केतोटी घरे केते पानी पहुंचिला पानी रो गुणात्मक मान केमिति रही पानी रो जोगाण बाबद रे सविशेष तथ्य एसबु तथ्य एबे जानि हेबो एही आप जरिया रे। लोगों की सुविधा हेतु इस ऐप में जल जीवन मिशन से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध है। जल जीवन मिशन में हो रही प्रगति पानी की गुणवत्ता की जांच एवं निगरानी वाटर सप्लाई स्कीम का विवरण इस ऐप से सभी लोग देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ऐप लॉन्च अवसर रे कहिछंती ए जल जीवन मिशन जरिया रे सशक्त होउछंती महिला पीबा पई आवश्यक पानी आनिबा को आ महिला को समय देबा को पड़ुनी हाथ पांतरे लोक एबे पानी पाउछंती
ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରି ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। वो अपने समय का सदुपयोग अपनी बेहतरी, अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने रोजगार पर उसको शुरू करने में कर पाएगी। ଏହାପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆ ଏବଂ ପାଣି ସମିତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କରୋନା ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗୋଟିପଟେ କରୋନା ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଟିକାକରଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗତି ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଟିକାକରଣରେ 90 କୋଟି ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଏନେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ 90 କୋଟିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ପାର କରିସାରିଛି ଭାରତ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଟଲଜୀ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଅନୁସନ୍ଧାନର ପରିଣାମ ହିଁ ଆଜିର କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଏଲ୍ଏସିରେ ଚୀନ୍ର ଜାରି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ନିଜର K9 ବଜ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହୁଇଜ୍ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହି K9 ବଜ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲଦାଖର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 12,000ରୁ 16,000 ଉଚ୍ଚରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚୀନ୍ ସହ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଊଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। K9 ବଜ୍ର ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁର ଠିକଣା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ସେପଟେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ MM ନରାଓଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ଡ୍ରାଗନର ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ଚୀନ୍ ତିକ୍ତତା ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ 6 ମାସ ଧରି ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ସପ୍ତାହରେ 13 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ କିପରି ହେବ ସେ ଉପରେ ସହମତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us, but we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. କରୋନା ଭାଇରସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ଆମେରିକାର ମର୍କ ଆଣ୍ଡ କୋ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଓରାଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମେଲୋନୁଇ ପିରାଭିର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗୀମାନେ ଓରାଲି ଏହି ଟାବ୍ଲେଟ୍କୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜି କେବଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଓରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାଇଁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଓରାଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଲନୋପିରାଭିର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମର୍କ ଆଣ୍ଡ କୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କମ୍ କରିବ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନର ପ୍ରତିଶତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। କରୋନା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମୋଲନୋପିରାଭିର। ଆମେରିକାର ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ମର୍କ ଆଣ୍ଡ କୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଏହି ମୋଲନୋପିରାଭିରକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ତେବେ ଏହା COVID-19 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓରାଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଔଷଧ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନକୁ 50% କମ୍ କରିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମର୍କ ଏବଂ ପାର୍ଟନର ରିଜବ୍ୟାକ୍ ବାୟୋଥେରାପିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ଆମେରିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଦିଗରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
सूचना अनुसार 775 जन रोगी उपरे आंटीभायरल औषध प्रयोग कर मर्क तरफ अध्ययन कर मोनोपिराविर दि जा 7.3% लोक डाक्टरखाना भर्ती करने दरकार हो नाला एवं चिकित्सार 29 दिन पर मृत्युवरण करे 2021 शेष सुधा यह 10 मिलियन कोर्सेस उत्पादन करी आशा करा जाउछि एवं आसंता वर्ष यह अधिक उत्पादन करने को चेष्टा करा जीवो बोली मर्क तरफ कहा जाइछि। मर्क मध्य औषध वितरण पर भारत जेनेरिक औषध निर्माता मानू लाइसेंस देवाक राजी होइछि जहां निम्न एवं मध्यवित्त लोक मान चिकित्सा जोगाइबे सक्षम हेबो। मोलनोपिराविर प्रथम और द्वितीय पर्याय परीक्षा सफल हो सारी और वर्तमान तृतीय पर्याय परीक्षण में कोरोना भाइरस संस्पर्श से आसीथिबा लोकों संक्रमण को रोकिबा पई आग को अध्ययन जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बुलेटिन आगु खबर जारी रहबो किंतु समय एक छोट ब्रेक रहो। ब्रेक पर स्वागत। आज जातिर जनक महात्मा गांधी और पूर्वतन प्रधानमंत्री शास्त्रीजी जयंती अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि ज्ञापन कर जन्म जयंती उपलक्षे जातिर जनक महात्मा गांधी को मोदी विनम्र श्रद्धांजलि जणाइबा सह पूज्य बापू जीवन और आदर्श देशर समस्त युवपीढ़ी को कर्तव्य पथरे अग्रसर होगाक प्रेरणा देउथवा बोली कहिसेंति। सेभली देशर पूर्वतन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मध्य श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वतन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी को शत शत प्रणाम करिबा सह मूल्यबोध एवं तांकर सिद्धांत उपरे पर्यवेक्षित तांकर जीवन देशवासीक पई सदा सर्वदा प्रेरणार स्रोत होई रहिबो बोली कहिसेंति मोदी। यह अवसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य उभयंक समाधि स्थल जाइ श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंति। अन्य मानक मध्य लोकसभा वाचस्पति ओम बिरला सोनिया गांधी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य जातिर पिता और पूर्वतन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंति। संत कवि भीम भोई को विषय में हेब गवेषणा यूजीसी पाठ्यक्रम में सामिल हेब भीम भोई को जीवनी एने यूजीसी को निर्देश देते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एथस से कहते संत कवि भीम भोई को विषय में उच्चतर गवेषणा करा सह यूजी एवं पीजी पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करने तथा जातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सम्मान देवाई सब प्रकार उद्यम करने यूजीसी को निर्देश दि जाए। आगामी दिन में संत कवि भीम भोई को जड़े सर्वोत्तम विचारक भाव प्रमाणित करने भारत सरकार यूजीसी यही महापुरुष महिमा धर्मर विचार संपर्क में अध्ययन कर। बुणाकार कथा हुई से प्रस्तुत हस्तशिल्प किणी केन्द्रमंत्री। आज गांधी जयंती अवसर में अनुगुल गस्त करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। यही अवसर में अनुगुल किशननगर ब्लक बामुर ठारे महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति में श्रद्धांजलि अर्पण करमंत्री। पर जयराट गाँव में आयोजित पदयात्रा सामिल होते धर्मेन्द्र प्रधान। चलित बर्ष प्रधानमंत्री जन्मदिवस सहित 20 वर्ष जनसेवार कार्यकाल एका समय पड़ीवर बीजेपी पक्षर 17 सेप्टेम्बर 7 अक्टोबर पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम मध्यम सेवा और समर्पण अभियान पालन करम द्वारा सेवार महत्व तथा समाज और राष्ट्र प्रति समर्पण भाव संपर्क जनजागरण कर। गांधी जयंती देशप एक महत्वपूर्ण दिवस होता बेले दिवस स्वच्छता कार्यक्रम क्षुद्र शिल्प और हस्तशिल्प कारीगर को प्रोत्साहन देवा खदी वस्त्र बहुल उपयोग स्थानीय भाव उत्पादित द्रव्यर प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम कर बापूंर सिद्धांत प्रचार प्रसार हो क्रम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज जयराट गाँव में आयोजित पदयात्रा सामिल होती। अनुगुल जिलार बामुर सह महात्मा गांधी निविड़ संपर्क रही अवसर में केन्द्रमंत्री जयराट गाँव में जयराट तंत वाय समिति हस्तशिल्पी बुणाकार को भेटी से कथा द्वारा प्रस्तुत हस्तशिल्प किणी। गांधी जयंती में गांधीजी वार्ता तथा ग्राम्य अर्थनीति को सुदृढ़ करने प्रधानमंत्रीजी वोकल फॉर लोकल प्रचार प्रसार पर जनसाधारण मान आह्वान करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आज पवित्र गांधी जयंती शास्त्री जयंती भी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते भारत को स्वावलंबी करवाई वोकल फॉर लोकल आम समस्ते नागरिक माने
2 अक्टोबर रु 31 अक्टोबर पर्यंत आमे समस्ते आम गाँव बनुवा लुगापटा हो हस्तशिल्प हो मूर्ति हो किंबा अन्यान्य कौनसी डोकरा इत्यादि कंसा बासन रो उपक्रम हो याकु आमे किणु कारण एगुड़िक किणा बिका बढ़िले ग्राम्य अर्थनीति सुदृढ़ हबो आमर अर्थनीति को स्वावलंबी करबा पई पड़िबो केवल सांकेतिक भावे नुहे नित्य व्यवहार्य आवश्यकता जिनिष गुड़ी को आमे आम स्थानीय उत्पादन केन्द्र रु किणिमा ये गोटे आमर जीवन रो अभ्यास बनु ये गोटे संस्कार बनु तेणु आज भाया पवित्र दिवस मु आसी आम जिला अनुगुल को एठी आठमल्लिक सब डिविजन किशोर नगर ब्लॉक रो जयराट ग्राम पंचायत को जयराट गाँ को पिला दिनु मु ए अंचल विषय शुणी जानी आमर ये जो हाथ बुणा गामछा हाथ बुणा कौटी माँ भौनी मानकर व्यवहार आसे पुरुष लोक मैंने व्यवहार करती एठिकार लोक मैंने या द्वारा जीविका उपार्जन करती ओडिशार अनेक गाँव रे विशेष करके समाज रो दलित वर्गर भाई भौनी मैंने पछुआ वर्गर भाई भौनी मैंने ये काम लगी था। स्वाधीन भारतर द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री भाव में तांकर कार्यकाल खूब कम समय थिला किंतु से देश पाई जो साहस कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शर उदाहरण सृष्टि कर सारा भारत बर्षरे यहाँ चिरकाल मने रखिब भारत मातर यह जोगजन्मा सुपुत्र जन्मदिवस अवसर में अर्गस न्यूज विशेष रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री जी की विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चय थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। अक्टूबर 2, 1904 उत्तर प्रदेश मोगलसराईर शारदा प्रसाद और रामदुलारी देवी कूलमंडन करते लाल बहादुर शास्त्री। शारदा प्रसाद जड़े अध्यापक थिले। शास्त्रीजी जितेबले मात्र वर्षकर होते पितांकर मृत्यु घटला यहाँ माँ रामदुलारी निज पिलांकर लालन पालन मिर्जापुर निज बापा घरे रही करी तेणु शास्त्रीजी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर होता यहाँ से काशी विद्यापीठ से संस्कृत स्नातक शिक्षा समाप्त करते मात्र 17 वर्ष बयस स्कूल पढ़ुआ बेले गांधीजी डाकर 1921 ब्रिटिश विरोधी असहयोग आंदोलन में झाँस देते एथपाई से गिरफ भी है किंतु नाबालक होता जो छाड़ी फिरिंगी पुलिस 1926 शास्त्रीजी सर्वेंट्स अफ द पीपुल्स सोसाइटी जोड़ी होते जार आरंभ 1921 लाला लजपत राय करते 1927 ललिता देवी शास्त्रीजी विवाह संपन्न होता से साधारण जीवन जापन को पसंद करुले तेणु तांकर विवाह मध्य अति निराडंबर थिला। शास्त्रीजी जौतुक प्रथार घोर विरोधी थिले 1930 गांधीजी स्वविनय अवज्ञा आंदोलन में जोड़ी होते शास्त्रीजी इंग्रेज सरकार को भू राजस्व और अन्यान्य कर न देवाई लोकं प्रवर्ताई से 2.5 वर्ष काल जेल दंड भोगिबा को पड़िला तथापि से गांधीजी को छाड़ी पारी नथिले बापुं को डाकरारे होइथिबा समस्त आंदोलन में सक्रिय अंशग्रहण करथिले जोंथिपाई लाल बहादुर को बहुवार जेल जीवा को पड़ी। देश स्वाधीनता पर शास्त्रीजी को उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ पंत सरकार रे पुलिस और परिवहन मंत्रालय दायित्व मिलला इस समय से भिड़ को नियंत्रण करने लाठीचार्ज बदल पानी माड़ प्रथम आरंभ कराइले उत्तर प्रदेश पुलिस मंत्री भावे काम प्रभावित हो पंडित नेहरू शास्त्रीजी को केन्द्र सरकार रेलमंत्री दायित्व देते किंतु 1956 तमिलनाडु एक रेल दुर्घटन प्राय 150 लोकों मृत्यु होती आउ ए नैतिक भाव निजक दायी
रेलमंत्री पदरु इस्तफा देथिले शास्त्रीजी तेबे 1957 रे तंकु जातायत और संचार मंत्री भावे पुणि थरे निज मंत्रिमंडल रे शामिल करथिले जवाहरलाल नेहरू। समय सरिची बुलेटिन को इटर की बा नमस्कार।